सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले कैट स्क्रिप्स के बारे में। कैट स्क्रिप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यूज़ करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, उसका यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो कैट स्क्रिप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं कैट स्क्रीम, जो कि हमारे पास 20 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी अराउंड 110 यानी कि 110 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। कैट स्क्रीम्स को यूनिवर्सियस लाइफ साइंस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। कैट स्क्रीम्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से केटोकोनाजोल स्क्रीम्स 2% वेट बाय वेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। कैट स्क्रीम्स के यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल तवसा में फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल एथलीट फूट दाद वेजाइना थ्रेस स्वेटर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो कैट स्क्रीम का इस्तेमाल अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी आपको एचिंग से खुजली हुई है या फिर दाद टाइप हो गया है या फिर पसीने की वजह से आपके जांघों के नीचे कुछ रिंग वॉम या दाद या कुछ फंगल इन्फेक्शन हुए हैं तो ये क्रीम्स को यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है, यानी कि कैट्स क्रीम्स को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा। कि अगर आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट्स में या फिर हाथों या पैरों पर या फिर अंगुलियों के बीच में या फिर पसीने की वजह से जांघों के नीचे आपको रिंग वॉम्स या दाद या खुजली टाइप हो गया या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन टाइप हो गया है तो ये क्रीम्स को यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। तो कैट्स क्रीम्स को यूज़ करने का तरीका बताए तो ये क्रीम्स को आप सुबह नहाने के बाद अपने बैक्टीरिया पे और रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्रीम्स को यूज़ करने के पहले कोई मेडिकेटेड साबुन से अपने बैक्टीरिया को धोए, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैट स्क्रीम्स किस प्रकार काम करता है। कैट स्क्रीम्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि केटोकोनाजोल स्क्रीम्स 2% वेट बाय वेट्स वो एक एंटी फंगल दवाई है। यह फंगी की कोशिका झिल्ली को नष्ट करके इसकी वर्दी को मारता है और रोकता है, जिससे आपकी त्वचा का इन्फेक्शन का इलाज होता है। कैट स्क्रीम्स को अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल करें, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका इस्तेमाल करें तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आपको साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है तवसा पर पपड़ी बनना या फिर इस्तेमाल जगह वाली जगह पर रिएक्शन हो सकता है, यानी कि जलन वगैरह हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कैट स्क्रीम्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें और कैट स्क्रीम्स को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में स्क्रीम्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से कैट स्क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो कैट स्क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताएं। कैट स्क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से, तक कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।